मैं पिछले 5 दिनों से ये जो असवल डोडा डिस्ट्रिक्ट है इसके टूर पर हूँ। शुरुआत मैंने डोडा से की थी, डोडा से गुंदो, गुंदो से कहरा, कहरा से कल रात को मठोला और आज यहाँ भद्रवाह में। भद्रवाह के हमारे जो दो मंडल हैं, भद्रवाह मंडल और चिंता बालडा मंडल, उन दोनों मंडलों की आज यहाँ उनके पदाधिकारियों की, ऑफिस बेयरर्स की आज हमने मीटिंग की है। आगामी जो फ्यूचर हमारे प्रोग्राम्स हैं उन प्रोग्राम्स के बारे में उनसे बातचीत की और उनका भी एक फीडबैक ले लिया और अपने संगठन की भी एक समीक्षा की हमने कि हमारा संगठन कहाँ खड़ा है, कितना खड़ा है, कितना आगे बढ़ा है, उसकी भी हमने समीक्षा की। हमने अपने कार्यकर्ताओं को ये भी बताया कि संगठन खड़ा करने में, संगठन को मजबूत करने में क्या क्या करना चाहिए, उसकी कुछ टिप्पणियाँ आज हमने दी है। आज के इस कार्यक्रम में विशेष बात ये भी हुई है कि आज कुछ ज्वाइनिंग्स यहाँ हुई बड़ी मात्रा में और बड़े स्टलवार्ट्स ने हमारे जो पैंथर पार्टी के यहाँ ज़िला प्रधान हैं थे, उन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। उसके साथ अनेक उनके साथियों ने भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। एक हमारे एक्स BDO ने भी आज यहाँ भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। आप देख रहे हैं कि जम्मू में भी हर दिन हमारे भारतीय जनता पार्टी में लोग ज्वाइनिंग कर रहे हैं। उसी सिलसिले में आज यहाँ भद्रवाह में भी एक अच्छी बड़ी ज्वाइनिंग हुई है और अभी हम आगे द्रडू जा रहे हैं, वहाँ भी एक बहुत बड़ा ज्वाइनिंग का प्रोग्राम है, वहाँ भी लोग भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के उसूलों को लेकर, भारतीय जनता पार्टी के काम को लेकर, भारतीय जनता पार्टी का जो नेता है नरेंद्र मोदी जी, उनके काम को देखकर लोग भारतीय जनता पार्टी में आने में बड़े लालायित रहते हैं और ऐसी ज्वाइनिंग ये हर रोज़ भारतीय जनता पार्टी में अन्य संगठनों के लोगों की ये हो रही है और हम ये मानते हैं उससे हमारा संगठन, उनके आने से भी हम सब एक साथ जब काम करेंगे अपना संगठन भारतीय जनता पार्टी का संगठन ये मजबूत हो। सर, हम बात करेंगे कि आपके जो वर्कर्स रहते हैं, हमने देखा कि रूलिंग पार्टी इतनी एक्टिव नहीं हो रही है प्रोग्राम करने में, लेकिन जब BJP की बात करेंगे तो यहाँ पर हम देखा जो मुस्लिम माइनॉरिटी जो है आपका सेल है वो भी काफ़ी एक्टिव रहता है, जो इसके आपके जिला के प्रेसिडेंट हैं फिरोज बागवान साहब, हमने देखा कि मुस्लिम एक वक्त में BJP में आने से डरते थे, लेकिन अब जो माइनॉरिटी मोर्चा आपने खोला तो हम देख रहे हैं काफ़ी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, पिछले कई सालों से आप देखेंगे, 2-4 सालों से मुस्लिम्स भी बहुत बड़ी मात्रा में भारतीय जनता पार्टी में आती है। पहले भी भारतीय जनता पार्टी का माइनॉरिटी मोर्चा होता था और आज भी है, माइनॉरिटी मोर्चा आज भी काम कर रहा है, माइनॉरिटी मोर्चा आज तीव्र गति से काम कर रहा है और मुसलमान समाज भी आज ये देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात जब करता है तो वहाँ कोई भेदभाव नहीं है हिंदू और मुसलमान में, सिख और ईसाई में, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के तरफ लोग बड़ी मात्रा में आ रहे हैं। मैं यहाँ के माइनॉरिटी मोर्चे के कार्यकर्ताओं को, विशेषकर बागवान जी को, और अभी आपने देखा होगा पिछले दिनों जम्मू में हमारे कोलोत्रान के मुबसर आज़ाद साहब, जो आज़ाद साहब के भतीजे हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, वो भी आज यहाँ कार्यक्रम में थे। उसके कारण और माइनॉरिटीज़ में जो यहाँ की मेजॉरिटी है मुस्लिम समाज में, और अधिक काम होगा और भारतीय जनता पार्टी की इच्छा है कि हमको मुसलमानों में भी काम करना है, इसलिए आप देख रहे हैं कश्मीर में भी आज भारतीय जनता पार्टी का काम बहुत ऊंचाइयों के साथ आगे बढ़ रहा है। आखिरी सवाल सर करूंगा, आप जहां था भद्रवाह मंडल के हम प्रोग्राम देख रहे हैं तो क्या कितना संतुष्ट है आप, आपके जो यहां के कार्यकर्ता हैं, जो प्रधान हैं या दूसरे जो हैं कार्यकर्ता, कितना? हमने भद्रवाह मंडल के कार्यकर्ताओं को कहा है कि और थोड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। उनको हमने बताया कि हर जिसको हम जिम्मेवारी देते हैं, जिसको हम दायित्व देते हैं, जिसको हम रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, उसका भी ये फ़र्ज़ होता है कि उसको ये पूछना कि मुझे आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, मेरा क्या काम है। और हमने यहाँ के मंडल प्रेसिडेंट को भी बताया है, जिनको आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है सबको काम बांटिए। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई काम की कमी नहीं है, योजनाओं की कमी नहीं है, हर एक को योजनाएं बांटिए और सब कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी के अहदेदार हैं वो काम में लग जाएं। मैं काफ़ी संतुष्ट हूँ भद्रवाह मंडल से भी और चिंता बालडा मंडल के कार्यकर्ताओं से भी, उन्होंने बहुत तीव्रता से हमारा जो अभी बूथ चलो प्रोग्राम था वो बूथ चलो प्रोग्राम उन्होंने किया है। हर बूथ पर जाना, हर बूथ पर वेरिफिकेशन करनी हमारे कार्यकर्ताओं की, वो उन्होंने बड़ी मात्रा में किया है।
मैं दोनों मंडल के कार्यकर्ताओं से बड़ा संतुष्ट हूँ।